ये जो आपने काम शुरू किया है इसमें कोई रिजक मिल जाता है अपने बच्चों को पालने के लिए? ये जी भाई जी गुजारा ही होता है, अगर रोटी लग जाती है। बेटे भी यही काम सिखाओ? जाहिर है जो गरीबी नहीं साथ दे रही, नहीं कोई पैसे का कोई मुँह नजर आ रहा, इन्हों कि पढ़ावा कितने काम से लाव। कितने बहन भाई हो? सात। सात? सात बहन भाइयों का गुजारा हो जाता है इसे? इतने बाल जो कपड़े शपड़े मांगते हैं? ऐसा इतने बने ही नहीं कपड़े, ना पिछली इतने बने। अच्छा। अं उही पाई फिर अजे तक। अपने खानदान और बच्चों का पेट भरने के लिए आदमी हर काम करने को तैयार हो जाता है। उसे इस काम के लिए चाहे भट्टा मजदूरी करना पड़े या कोई और पापड़ बेलना पड़े, वो कर गुजरता है। ये जिंदगी की एक तल्ख हकीकत है। कहा जाता है कि नसीब में जो लिखा हो वही मिलता है। ये बात शायद इस चिड़िया वाले पर भी सादक आती है। उसका नाम सलीम है, सलीम चिड़िया वाला। सलीम अपने बेटे ही की तरह का होगा जब उसके बाप ने उसे चिड़िया बेचने का काम सिखाया। सलीम साहब, ये जो आपने काम शुरू किया है इसमें कोई रिजक मिल जाता है अपने बच्चों को पालने के लिए? ये जी भाई जी गुजारा ही होता है, अगर रोटी लग जाती है बस। शाम को जो आटा है तो तेल नहीं है, तेल है तो घ्यो नहीं है, ऐ सिस्टम जे। अच्छा। जी कोई एडा महल नहीं पा लेंगे, ना कोई कोठियाँ बनाने हैं। ते ए, इस तो अलावा कभी नहीं सोचा कोई होर काम करन दा? साडे मुल्क दे विच होर काम दी कोई मेहनत नहीं दित्ती जांदी। जदों देखो यानी कि जिस मौके भी जित को भी जाओगे साडा गुट फड़ के लाइयो, सानू कोई 10,000 रुपये महीने दा नहीं रखेगा। इस हालात नाल फिर जिहड़ा काम अपनाना पैंदा अपना के अपना टाइम कढ़ी दा। अच्छा। सलीम के वालदैन बरेसगीर की तकसीम से कबल जलंधर में भी चिड़ियों का कारोबार किया करते थे, और उनके वालदैन भी। उस वक्त दिन में 10-12 चिड़ियाँ बिक जाती होंगी, मगर अब सलीम एक दिन में पूरी 50 चिड़िया बेचने का हदफ लेकर आता है। तुहाडे तो पहले तुहाडे वाले साहब भी यही काम करते? साडे वाले साहब इंडिया च होंदे ही, जदों 47 की जंग लगी उदों माजर हो गए, इधर आए ने बगाया। ये साडे जद्दी काम है, साडा जद्दी पुश्ती जिहनूं कहिंदे ने। अच्छा। जदों वो माजर होके इधर आए 1947 तो उन्होंने आके यही काम शुरू किया? उत्थे भी यही करते ही, इत्थे भी यही कर रहे हैं। अच्छा। तो उत्थे ये कोई फंदा वगैरह ला के चिड़ियाँ फड़दे सी या के किसी को लेंदे सी? फंदा लाने वाली टीमां होर होंदियां ने, असीं मुल लै के अगे वेची दियां। अच्छा। नहीं तो पहले जदों तुहाडे वाले साहब करदे सी वह भी फंदा लाते सी या के वह भी इस तरह ही लैंदे? वह भी मुल लै के वेचदे सी। सात बच्चों के बाप सलीम चिड़िया वाले के खानदान में किसी ने ना पहले और ना अब कभी स्कूल का मुंह देखा है। वो 200 से 400 और कभी 500 रुपए भी कमा लेता है, लेकिन अगर आंधी या बारिश का मौसम हो तो फिर कोई भी खरीदार चिड़ियों को आज़ाद करवाने नहीं आता, और उस रोज़ सलीम के घर के चूल्हे की लू भी मध्यम हो जाती है, और चिड़ियों को एक रोज़ मजीद दाना खिलाने का खर्च भी बढ़ जाता है। दिहाड़ी दियाँ किनिया को बेच लेंदे? 40-50 जानवर लेई दे, कुछ 600-700-800 रुपया बच जाता है। अच्छा। यानी रोज दी रोटी लग जाती है? रोज दा सरकट जिन्हों कहीदा। अच्छा। यानी हाथ तो मुँह तक ही, और इस तो अलावा? हाँ बस इस तो अलावा कोई नहीं, जिस तरह के पंजाबी जी कहते हैं कि नक तो ला के मुँह, जो मुँह तो ला के नक। अच्छा। सीन बस। ये तो फिर इतने बाल जो कपड़े शपड़े मांगते हैं? ऐसा इतने बने ही नहीं कपड़े, ना पिछली इतने बने। अच्छा। अं उही पाई फिरते हैं अजे तक। तो पिछले 5-6 महीनों तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो चिड़िया का मुल वही है कि वध गया? हर शह का मुल वध गया, लेकिन गाहक जोड़े सानू उही रेट देंगे 100 रुपया जोड़ा। अच्छा। ऐसा सानू 90 रुपये का 80 रुपये जोड़ा मिलता है। अच्छा। यानी एक जोड़े मगर कभी 10 रुपये बचते हैं, 20 भी बच जाते? 10-20 रुपये सिर्फ, होर कुछ नहीं। ते इनू लोग फड़ के छड़ दें या घर लै जाते? छड़ते बस, अल्लाह की राह छड़ते, जिन्हें सिर सदका देना होंगे सिर सदका देंगे, और कुछ चार नहीं पाते, कोई एडा मसला नहीं। बाल दफा भी होंगे ना कि बच्चे जिद करते हैं माँ मैं चिड़ी लैनी? नहीं, वह डेकोरेशन परिंदे होर होंगे, टमाटर मार्केट चो मिलते भाई ना, पिंजरे रखे जाते हैं। हाँ, टमाटर मार्केट चो मिलते हैं, असं भी टमाटर मार्केट में लैके आई दी। अब सलीम अपने बेटे को इसी गरज से साथ लाता है कि वो भी ये काम सीख जाए, फिर कहीं और जगह बैठकर चिड़ियों को फरोख्त करे, ताकि महंगाई के दौर में
गुजर बसर आसान हो सके। ते तुहाडे नाल तुहाडा बेटा? हाँ जी, बेटा मेरा। ते बेटे नूं वी इही काम सिखाओ? ज़ाहर है, जो गरीबी नहीं साथ दे रही, नहीं कोई पैसे का कोई मुँह नज़र आ रहा, इन्हों कितने पढ़ावा, कितने काम से लावा, की कराने वास्ते दसो। बेटा पढ़ता नहीं? नहीं। की नाम बेटे? एदा नाम फैसल। सलीम का बेटा अभी इस काम में बिल्कुल नया है, क्योंकि उसे अभी इस काम पर आए एक माह भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए जब कभी अमीर बच्चों को लिए उनके वालदैन की कार उसके पास आकर रुकती है तो चिड़ियों का सौदा करते हुए वो कहीं खो सा जाता है, और फिर बच्चों के हाथ से चिड़ियां उड़ते हुए देखने लगता है, क्योंकि उसने कभी कोई चिड़िया अपने हाथ से आज़ाद नहीं की। जब उसके नन्हे कोमल हाथों पर कार में से कोई फर्द पैसे रखता है और कार चल पड़ती है तो पैसों को गिनने के बजाय देर तक उसकी नज़रें कार का पीछा करती रहती हैं। शायद उस वक्त उसके दिमाग में गुर्बत और इमारत की जंग चल रही होती है। फैसल बेटे की हाल? शुक्र अल्लाह। चिड़ियाँ कभी फड़ियाँ भी नहीं? बस अबू के साथ। हाँ। कब से कर रहे हो? दो दिन भी नहीं हुए। नहीं, पहले पढ़ते थे? अच्छा, पढ़ा ही नहीं। कितने बहन भाई हो? सात। सात? सात बहन भाइयों का गुजारा हो जाता है इसे? बड़ा औखा गुजारा है। हाँ जी, बड़ा औखा। यानी सात बहन भाई ने? किन्ने बेटे किन्ने बच्चे बेटियां? चार मुंडे ने, तीन कुड़ियां ने। अच्छा, ते सब छोटे ने के उन जवान? छोटे भाई ने, जवान होंदे फिर कोई रोला नहीं सी, चलो नाल कोई काम घूमते लग जाते। है ही बड़ा? नहीं, भी एक है। आज भी शाम होने को है, सलीम और उसके बेटे ने पूरी 30 चिड़ियां बेची हैं। गोया खानदान के 9 अफराद के लिए 3 वक्त की रोटी का बंदोबस्त पूरे 500 रुपये हो गया है। शहजाद फरामोश, हरीफ डिजिटल।